हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग नागपुर टुडे। आज मैं आई हूँ ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल और यहाँ पे मेरे साथ है कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव वेनकरे। आजकल मेल्स में काफी प्रोस्टेट ग्लैंड को लेके इश्यूज देखने मिल रहे हैं, तो इसी पे आज हम सर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड विच सिट्स अंडर योर ब्लैडर और इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। प्रोस्टेट एक एक्सेसरी मेल सेक्स ऑर्गन है। एक वॉलनट साइज का ग्लैंड होता है, ब्लैडर के नीचे बैठता है और आपका यूरेथ्रा जो है, पेशाब का रास्ता, ये प्रोस्टेट से होते हुए निकलता है। सर, व्हाट आर द कॉमन इश्यूज दैट वी कैन सी इन प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज जनरली एजिंग मेल्स में देखा जाता है और देर आर थ्री मेन इश्यूज। वन इज बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जो जिससे प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, इट कॉजेज डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन। सेकेंड इज प्रोस्टेटाइटिस, दिस प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन, इट कैन बी ड्यू टू वेरियस कॉजेस। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रोस्टेट कैंसर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन मेल्स सीन अराउंड द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। क्या ये पहले से होते आ रहा है कैंसर, या अभी हमें ज्यादा केसेस देखने मिल रहे हैं? एक्चुअली अभी विद द रिसेंट स्टडीज एंड द अवेयरनेस, केसेस अभी ज़्यादा देखने मिल रहे हैं एंड पहले भी थे, बट दे मे हैव गॉन अनडिटेक्टेड। नाउ दैट वी आर अवेयर एंड वी हैव द टेस्ट टू टेस्ट फॉर इट, टू स्क्रीन फॉर इट, वी आर गेटिंग मोर केसेस नाउ। हाउ मच इज द चांसेस कि कोई मेल को ये कैंसर हो रहा है? ये कैंसर का रेट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द एज। देर इज 60% चांस दैट एनी वन हुज मोर देन 70 ईयर्स ही मे हैव द प्रोस्टेट कैंसर। इट गोज अप टू 80% इन 80 ईयर्स ओल्ड, 90% इन 90 ईयर ओल्ड मेल्स। सो द थिंग इज, दिस प्रोस्टेट कैंसर मे गो इन अनडिटेक्टेड एंड यू कैन लिव योर नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। हाउएवर इन सम केसेस वेयर द प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी एडवांस, इट प्रोग्रेस टू अ वेरी एडवांस स्टेज एंड गिव्स राइज टू सिम्टम्स, इन दोज केसेस इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज और इट इज ऑलरेडी गॉन टू एन एडवांस स्टेज, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। प्रोस्टेट इश्यूज कितने कॉमन है? प्रोस्टेट इश्यूज आर पर से वेरी कॉमन। द प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन साइज थ्रू आउट द मैंस लाइफ। सो बी एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज अराउंड द ग्लोब एंड इन इंडिया, द मोर एज द मेल इज द मोर कॉमन द प्रोस्टेटिक इश्यूज आर, स्पेशली द बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। एंड इवन विद द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वी आर सीइंग मेनी पेशेंट्स विद सीए प्रोस्टेट हु आर इन देयर 70s and 80s who are coming to us. सर, व्हाट इज सीए प्रोस्टेट? कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। कार्सिनोमा प्रोस्टेट एक कैंसर होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर होता है। ये कैंसर जनरली प्रोस्टेट के आउटर शेल पे आता है, जिसे हम आउटर लेयर कहते हैं, और दैट्स वाई इट इज वेरी इजी टू बी इट कैन इजीली बी स्क्रीन विद अ पर रेक्टल एग्जामिनेशन। आपके रेक्टम के थ्रू प्रोस्टेट का जांच करते हैं और एनी नोड्यूल और हार्ट पार्ट अनलेस प्रूवन अदरवाइज इज अ कैंसर। So, if we are suspecting cancer, we go and do a biopsy to confirm that the nodule is cancer or not. सर, इसमें कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है इंडिया में आज के तारीख में? देर आर मेनी टेस्ट अवेलेबल फॉर द प्रोस्टेट कैंसर, बट अभी जो दो मेन टेस्ट है, क्लिनिकल टेस्ट है, वो है एक PSA, सीरम PSA स्क्रीनिंग, जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक है, कैंसर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए आपके फिजिशियन के एडवाइस पे ही PSA टेस्ट कराए। एंड अदर टेस्ट इज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जैसे मैंने कहा था, रेक्टम के थ्रू आपके प्रोस्टेट का जो सरफेस है उस पर उंगली घुमा के जांच करते हैं, देखते हैं कि वहाँ कोई नोड्यूल या हार्ट कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, विच यू नो कैन बी डाउटफुल फॉर कैंसर। क्या सिम्टम्स आते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है प्रोस्टेट में तो? प्रोस्टेट अगर आपको इन्फेक्शन है, प्रोस्टेटाइटिस है, तो एक डीप बोरिंग पेन इन योर पेल्विक एरिया राइट अंडर द ब्लैडर होता है। वंस यू सिट और यू गेट अप यू हैव दैट कॉन्स्टेंट पेन एंड एकिंग। अनदर वन इज BPE, बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जिसका हम एक निमोनिक यूरोलॉजिस्ट यूज करते हैं, FUNPISS, FUNPISS। F इज फ्रीक्वेंसी, आप दिन में बहुत बार पेशाब जा रहे हैं। U इज अर्जेंसी, जिसमें पेशेंट को पेशाब कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। N इज नॉक्चूरिया, यानी पेशेंट को रात को उठ के उनका नींद डिस्टर्ब हो रहा है, वो पेशाब करने के लिए उठ रहे हैं। पी इज पुअर फ्लो ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम। आई इज इंटरमिटेंसी, पेशेंट का पेशाब रुक के बार बार रुक रहा है और बार बार चालू हो रहा है। एस इज सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, पेशेंट को पेशाब करने के बाद संतुष्टि नहीं मिल रही है। और लास्ट एस इज ट्रेनिंग, जहाँ पेशेंट को पेशाब करने के लिए जोर करना पड़ रहा है।
सो दीज आर द ब्रॉड सिम्टम्स फॉर बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट. कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट के जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली कैंसर में यूजुअली मास्क रहते हैं या तो फिर समझ में नहीं आते हैं, बिकॉज प्रोस्टेट जो है वो आउटर लेयर में आता है और पेशेंट्स को जब प्रोस्टेट कैंसर एडवांस हो जाता है तब ये प्रोस्टेट अंदर की तरफ यूरेथ्रा की तरफ ग्रो करता है, तब पेशेंट को जो मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए यूरिनरी प्रॉब्लम्स फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी नॉक्चूरिया स्ट्रेनिंग ये सारे सिम्टम्स आते हैं. एंड इन और एडवांस्ड कैंसर्स में बैक पेन वेट लॉस लॉस ऑफ एपेटाइट ये सारी चीजें होती है. सर इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर सीए प्रोस्टेट इज यू हैव टू गेट चेक्ड ईयरली आफ्टर द एज ऑफ 60. अगर आपके फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर ब्लैडर कैंसर या और कोई कैंसर का हिस्ट्री है तो ये स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 55 स्टार्ट होता है. आपको आपका बॉडी वेट मेंटेन रखना है, बी एक्टिव, आपको विटामिन डी अगर कम है गो गेट सम सनलाइट, गो गेट योर विटामिन डी चेक एंड गेट करेक्टेड. जो मल्टीविटामिन्स होते हैं स्पेशली विटामिन ई इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो अगर आप ले रहे हैं तो उसे उससे सीए प्रोस्टेट 17% बढ़ता है तो वो अवॉइड करना चाहिए, और स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए. सर इसमें ट्रीटमेंट कौन से अवेलेबल है? प्रोस्टेटाइटिस के लिए प्रोलॉन्ग्ड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स विच योर फिजिशियन विल एडवाइस. बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के लिए देर आर टू ऑप्शंस. फर्स्ट इज मेडिकल थेरेपी जिससे आपका प्रोस्टेट का साइज भी थोड़ा कम होता है और यूरिनरी सिम्टम में इम्प्रूवमेंट होता है, और कुछ पेशेंट्स को देर आर सम एम्पिरिकल इंडिकेशन फॉर सर्जरी, जिनका पेशाब अचानक से रुक गया है, जिनको कैथेटर की ज़रूरत है, जिनका किडनी में प्रेशर की वजह से असर हो रहा है, उन पेशेंट्स में डायरेक्टली TURP ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करके सर्जरी होता है, वो किया जाता है. सीए प्रोस्टेट का जो ट्रीटमेंट है वो उसके स्टेज के अकॉर्डिंगली होता है. अर्ली और वेरी वेरी इनिशियल स्टेजेस में वी कैन ऑब्जर्व द पेशेंट, वी कैन फॉलो अप फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर पेशेंट का स्टेज 2-3 या फेयरली एडवांस्ड है तो पेशेंट को सर्जरी या रेडियोथेरेपी दिया जाता है. एडवांस केसेस और मेटास्टैटिक केसेस में कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी दिया जाता है. क्या चांसेस है कि ये सारी थेरेपी लेने के बाद कैंसर खत्म हो जाए या चले जाए, और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो टाइम के लिए कैंसर चले भी जाए लेकिन कुछ टाइम बाद कैंसर वापस आए? इनिशियल स्टेजेस में अगर आप सर्जरी या रेडियोथेरेपी करते हैं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि पेशेंट का जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट जनरली ओल्ड एज में होता है बिफोर द कैंसर कम्स बैक ही विल सर्वाइव दैट पीरियड. एडवांस केसेस में वी कैन वेरी वेल कंट्रोल द कैंसर, वी कैन कीप द सिम्टम्स इन चेक, we can make sure the patient is comfortable with hormone and radiotherapy and other newer drugs. But yes, eventually the cancer will grow and this part is called castrate-resistant prostate cancer, which is another advanced form of the cancer. इसके लिए नए techniques और नए diagnostic methods और नए medications आए हैं, which are a tad bit expensive, but they are promising. And sir, जैसे आपने बताया कि एक patient जो होता है वो already elderly age में होता है, yes. तो क्या उनकी बॉडी इतना इतने सारे जो भी ट्रीटमेंट है वो झेल पाएंगी? जनरली प्रोस्टेट कैंसर में सबसे पहली चीज जो देखते हैं हम पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, इफ इट इज मोर देन 10 इयर्स और नॉट. अगर पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन 10 इयर्स है तो हम उसे सर्जरी और अदर रेडियोथेरेपी ये सारे चीजें एडवाइस करते हैं. अगर पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, पेशेंट को बाकी बीमारियां हैं जैसे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, पेशेंट को किडनी की बीमारी है, इन पेशेंट्स में वी मेक श्योर द पेशेंट इज कंफर्टेबल एंड वॉट एवर हिज लाइफ स्पैन इज वी ट्राई एंड कंट्रोल द सिम्टम्स मोर देन द डिसीज. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. इट इज वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस. टू ऑल द मेल्स आउट देयर, प्लीज टेक केयर ऑफ योर प्रोस्टेट हेल्थ एंड ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो. थैंक यू सो मच.